राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। संसद की कार्यवाही को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि अब संसद का कोई मतलब ही नहीं बचा है, संसद भवन अब म्यूजियम बन गया है, संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, सांसदों की बात नहीं सुन रही है सरकार। सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और विपक्षी नेताओं ने गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक एक पैदल मार्च निकाला। काले कपड़े पहनकर मार्च में सभी नेता इसमें शामिल हुए। राज्यसभा में बता दें आपको 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष ने यह हंगामा किया। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी विरोध के तौर पर काले कपड़े पहनकर शामिल हुए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार विपक्ष को सवाल उठाने नहीं दे रही है, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं, यह लोकतंत्र को चलाने का सही तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। सांसद करीब 2 हफ्ते से निलंबित है, वो लगातार धरने पर बैठे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ये तो आप बिल्डिंग है, म्यूजियम है। आज हमारे जो ऑपोजिशन के सस्पेंडेड एमपीज हैं, उनके 14 दिन सस्पेंशन के हो गए हैं। हाउस में जिन चीजों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है, वो डिबेट सरकार नहीं होने देती है। और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है, तो धमकाकर डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं, कितने दिन से नहीं आए? 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते, एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। सुना आपने, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये बड़ा तंज कसा है केंद्र सरकार पर। सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्ष का आज मार्च निकला। काले कपड़े पहनकर राहुल गांधी विरोध करते नजर आए। चलिए इस खबर पर हम रुक करेंगे, राजनीतिक मेहमानों की प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और दूसरी तरफ बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया रजनीश जी मैं आपकी लूंगा। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है संसद की कार्यवाही को लेकर। वो कह रहे हैं कि अब संसद का तो कोई मतलब ही नहीं बचा है, संसद भवन म्यूजियम बन गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संसद तो देश का लोकतंत्र का मंदिर है ही, और इसे हर राजनीतिक दल समय समय पर उद्घाटित करता भी रहा है, कहता भी रहा है, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका नहीं बची है। और कांग्रेस जरूर केवल इतिहास की एक वस्तु मात्र बनकर रह जाने वाली है, और ऐसा मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तमाम दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं, गैर भाजपाई पार्टियां हैं, उनके नेताओं ने बहुत स्पष्ट कहा है कि विपक्ष के नाते कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो चुकी है, और यह जरूरी नहीं कि विपक्ष में कांग्रेस नेतृत्व करे। और यूपीए तो अब अपना अस्तित्व ही खो चुका है, और ये ममता बनर्जी समेत तमाम प्रकार के नेता ये बात कह चुके हैं, आपको मीडिया के नाते ये पता होगा। इसलिए प्रासंगिकता कांग्रेस ने खोई है, संसद ने नहीं खोई है। संसद तो आज भी जीवंत है, संसद तो आज भी तमाम छोटी बड़ी पार्टियों को मिलकर अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। और जो संसद को म्यूजियम कहे, उसकी सोच कैसी हो सकती है, उसकी समझ कैसी हो सकती है, आपके दर्शक इसका आकलन कर सकते हैं कि संसद में वो स्वयं एक पार्टी के नाते सांसद के तौर पर बैठते हैं, उसको वो म्यूजियम कह रहे हों, तो वो खुद के बारे में क्या आकलन करते हैं ये भी समझ सकते हैं। जो छाती में पीछे से थोड़ा घोंपने की बात करते हों, उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है, और उनकी बुद्धि पर चलने वाले लोगों पर मुझे तो केवल क्षोभ प्रकट करने के अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं बनता। ठीक, मैं इस पे छोटी सी प्रतिक्रिया शर्मा जी की ले लेता हूँ। प्रताप भानु जी क्या कहेंगे आप, जो आरोप आप लगा रहे हैं संसद भवन पर या सरकार पर? रजनीश जी तो कह रहे हैं कि जो प्रासंगिकता के आप सवाल उठा रहे हैं, प्रासंगिकता तो विपक्ष की नहीं बची है।
रजनीश तो अपने भाजपा की बात करेंगे ही अपनी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, और जरा सच्चाई भी निकट से देखने की कोशिश करें। संसद भवन सही मायने में म्यूजियम बनता जा रहा है। 100 साल पुराना भवन जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर में एक है, उसको खत्म करके, उसकी बनावट को खत्म करके 20,000 करोड़ रुपया खर्च करके ऐसा भवन बनाया जा रहा है जिसका कोई मुकाबला नहीं इसका पुराने भवन से। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, उन्होंने सभी सांसदों की आवाज को उठाया है। आज प्रतिपक्ष की सशक्त आवाज राहुल गांधी है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। संसद में बहस नहीं हो रही, किसान का मुद्दा हो, गरीब का मुद्दा हो, चाहे चीन के अंदर घुसने की बात हो, चाहे कोरोना से लाखों लोगों के मरने की बात हो, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद को फेस नहीं कर रहे। ऐसी तानाशाही, ऐसी डिक्टेटरशिप, यदि राहुल गांधी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आज भी कांग्रेस प्रमुख विपक्षी होने के नाते, राष्ट्र की प्रमुख राजनीतिक पार्टी होने के नाते, इस तरह की तानाशाही पूर्ण कार्रवाई का विरोध करेगी, आवाज उठाएगी। और भाजपा के सांसदों को छोड़कर पूरे देश के सांसद एक आवाज में राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। 14 दिन से सांसद सस्पेंड है, उनकी सुनी नहीं जा रही, उनको निकाल के बाहर कर दिया राज्यसभा से। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? रजनीश जी संसद की कार्रवाई को समझे, उसके नियमों को समझे, इसके बाद कोई टिप्पणी करे तो अच्छा लगेगा। ये पूरे नियमों का उल्लंघन है। चलिए, आपके आरोप अपनी जगह है, लेकिन शासन में पार्लियामेंट के सिटिंग मेंबर्स को सस्पेंड कर दिए हो, उन्हें तानाशाह बता रहे हो। जब जनता की आवाज हम बुलंद करेंगे तो उसे कैसे आप दबा सकते हो? चलिए ठीक, मैं आप दोनों राजनीतिक मेहमानों का विरोध करते हैं, राहुल गांधी ने सही आवाज उठाई है। चलिए, मैं दोनों आप मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। आप दोनों की मुझे एक एक प्रतिक्रिया चाहिए थी। बीजेपी और कांग्रेस से हमने इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया लेना चाहिए, लेकिन दोनों ही प्रवक्ता मेहमान अपनी अपनी बात कह रहे हैं। कांग्रेस का जहां ये कहना है कि अगर सांसदों की बात सरकार नहीं सुनेगी, सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा, तो राहुल गांधी तो आवाज उठाएंगे ही। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, पहले जरा वो अपनी पार्टी पर, उस पर भी तो जरा देख ले। जो विपक्ष इस वक्त आवाज उठा रही है, वो विपक्ष तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। जिस प्रासंगिकता पर आप सवाल उठा रहे हैं संसद भवन की, वो प्रासंगिकता कांग्रेस में कहां बची है? जरा राहुल गांधी इसका भी जवाब दे दें। यानी कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस ने तंज कसा है, इस पूरे मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने आज क्या कहा मीडिया के सामने आकर, जब सांसदों की आवाज जब अंदर नहीं बुलंद हो पा रही है, या हम ये कह लें कि जो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बोलने का मौका सदन के भीतर सांसदों को नहीं दे रही। इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ये तो आप बिल्डिंग है, म्यूजियम है, म्यूजियम है। आप